बिहार में सबसे ज़्यादा यदि दलित को मूर्ख बनाया है तो यही 32 साल में जो सरकार है नीतीश कुमार राव तेजस्वी यादव की सरकार में। जम्मू पास को देश का कमान समा देंगे बिहार का, जो कि चपरासी का नौकरी लेता है तो इंटर पास और बीए पास खोजता है। तेजस्वी यादव 100% में से चलो 25% कुछ तो पूरा किया है। अब मोदी जी बोले 15 लाख रुपया। नीतीश जी का उम्र हो गया, आराम करने का उम्र है, अब उनका दिमाग जो है काम नहीं करता है, बोलने का कुछ बोलते कुछ है। पासवान खुद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जैसे वो शामिल हुए हैं, पहले कहा करते थे कि बीजेपी के जो लोग हैं मेरे बाबा का मूर्ति जला दिए, ये कर दिए, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप अपने नेता के बारे में उतना नहीं जानते हैं। चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, मैं फरहत अफसर। देखिए इस वक्त हम बापू सभागार में, आपको बता दें कि आज जो है लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां जो है स्थापना दिवस है, आज ही के दिन उनकी पार्टी का जो है गठन हुआ था। ऐसे में आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और चिराग पासवान का समर्थन करने आए हैं, खुशी में शामिल होने आए हैं। तो ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या 2025 में चिराग पासवान को यहाँ का सीएम बनाएंगे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं? हम दिनारा से हैं, रोहतास जिला से। चिराग पासवान को समर्थन करते हैं? बहुत समर्थन करते हैं। क्या लगता है सीएम बनेंगे? सीएम बनेंगे। कैसे बनेंगे? वो जनता देख रहे हैं कि जनता इतना चाह रहे हैं कि नौजवान हैं और उनमें इतना खूबियाँ हैं जो कि हर नौजवानों को इच्छा को पूरी करने के लिए वो तैयार हैं और वो सबके दुख सुख में अभी से जा रहे हैं। क्या मुद्दा होगा? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आप मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अफसरशाही, यही मुद्दा है। तो क्या लगता है चिराग पासवान जिसमें काम करते हैं करते हैं सीएम बना पाएंगे? 100% बना पाएंगे। अच्छा, वो तो बीजेपी में शामिल हो गए तो वहाँ तो सम्राट चौधरी है, तो कैसे लगता है कि हाँ चिराग पासवान को ये मौका मिलेगा? देखिए ये पार्टी का अपना मामला है, इसमें हम सब कैसे बताएंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में सीएम बनने का पूरा काबिलियत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेता से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हर 90% युवा इनके समर्थन में है। जितना नीतीश कुमार को वोटर नहीं है उससे ज़्यादा हमारे पार्टी में कार्यकर्ता है, समर्थक है। हमारे पार्टी के अंदर देख सकते हैं जनसलाह, अभी हर एक जिला से आए हैं, वैशाली जिला से आए हैं। जितना उनके पास वोटर नहीं उससे कई गुना हमारे पास कार्यकर्ता है। हमारे क्या हम मान सकते हैं कि 2024 में इस बार जो है चिराग पासवान यहाँ का सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार? जी 100% बनेंगे। पूरा युवा चाह रहा है, पूरा बिहार चाह रहा है, एक एक नौजवान चाह रहा है, 90% युवा बिहार का चाह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है चिराग पासवान अगर सीएम बन जाते तो क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बिहार में? ये पढ़ा लिखा लीडर हैं और लोकसभा का सदस्य रहे हैं, पूरे भारत में इनको चाहने वाला है, जानने वाला है, कार्यकर्ता से लेकर जनता में इनकी पकड़ है, पहचान है। लोगों का कहना ऐसा है कि ना चिराग पासवान खुद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस पे क्या कहिएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम बोल दें, जैसे बीजेपी में जैसे वो शामिल हुए हैं, पहले कहा करते थे कि बीजेपी के जो लोग हैं मेरे बाबा का मूर्ति जला दिए, ये कर दिए, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है? इस चीज का हम लोग को जानकारी नहीं है, इस पर कुछ हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। घर भी तोड़ाया गया है, मतलब आप अपने नेता के बारे में उतना नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन उतना हम लोग गहराई में नहीं जानते हैं जो हम आपको बताएं। क्या लगता है इस बार सीएम किसको बनाइएगा? सबसे बड़ी बात है तो आज मतलब हमने भीमराव अम्बेडकर को तो नहीं देखा है, लेकिन दूसरे भीमराव अम्बेडकर रामविलास पासवान जी को देखा है इस धरती पर। तो रामविलास जी की आज पुण्यतिथि है, उसके साथ साथ मतलब उनकी बनाई हुई पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका 24वां स्थापना दिवस है। तो चिराग वो व्यक्ति का नाम है जो बात करता है धर्म न जात करे सबकी बात, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता है। एक वो नेता जो बिहार को मतलब एक साथ लेके चला चाहता है, डेवलपमेंट जिसकी तस्वीर है, जिसके दिमाग में डेवलपमेंट की बात है। तो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग जी बने और समुचित विकास को एक बड़े विकास के पैमाने पर बिहार को विकसित बनाए। तो बिल्कुल चिराग जरूरी है और इस बिहार परिवर्तन की जो मांग है उसे बिहार सर्वप्रथम मतलब चिराग की मांग कर रहा है। जिस पार्टी में वो शामिल हुए हैं, मतलब गठबंधन किए हैं, तो क्या लगता है उस पार्टी से उनको इजाजत मिलेगा कि सीएम के लिए वो लड़े? बिल्कुल मिलेगा। और चिराग का मतलब ही चिराग होता है, चिराग तो अकेला मतलब अंधकार को रोशनी करने के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल वो तो घर का मामला है, बैठ के सब हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल बिहार चिराग की जरूरी है। नीतीश जी कहाँ जाएंगे?
दी जी को तो बुजुर्ग हो गए, मतलब तेजस्वी यादव जी का भी नाम आ रहा है कि नेक्स्ट सीएम वही बनेंगे। तेजस्वी यादव जी तो अपना जीवन मतलब नीतीश के साथ जाके कहीं ना कहीं अंधकार में डाल दिए, तो फिर तेजस्वी जी की तो बात अभी करना थोड़ा बेमानी होगी। अभी सिर्फ कैसे अंधकार में डाल, बिल्कुल नीतीश जी अब लग रहा है आपको पूरे बिहार किसी भी लोग से पूछे तो नीतीश जी का नहीं कहता है, जब बुढ़ाड़ी आती है तो आदमी का दिमाग थोड़ा सतिया जाता है, उसी प्रकार से नीतीश जी का हो गया है। तो तेजस्वी जी भी उसके जा जाके मतलब लाइन्स में आपको गलत महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए अब तेजस्वी जी कहीं ना कहीं क्या कही खत्म है। अब नीतीश जी का उम्र हो गया, आराम करने का उम्र है, अब उनका दिमाग जो है काम नहीं करता है, बोलने का कुछ बोलते कुछ है, इसलिए नीतीश जी उनका कैसे अभी मतलब उम्र हो गया ना, उम्र हो गया था। मोदी जी का उम्र नहीं हुआ, मोदी जी का तो उनसे 55 साल में सरकारी नौकरी वाले को रिटायर कर ना, मोदी जी को जानते हैं ना देश के प्रधानमंत्री, उनका उम्र कितना हुआ है। मोदी जी अभी उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं तो उनका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन नीतीश जी का उल्टा बोले हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। महिला के बारे में क्या बोले हैं मोदी जी, तो नहीं बोले हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहे हैं। इसलिए तो नहीं, अच्छा एम्स बोले कि एम्स है कहाँ, ये उल्टा पुल्टा नहीं बोले हैं मोदी जी तो नहीं बोले हैं आलू से सोना निकालेंगे नहीं बोले हैं, ये तो हमको नहीं, लेकिन हम ज्यादातर बात नहीं करेंगे। आज हमारे चिराग भैया जी का स्थापना दिवस है, हम आपको बात को सवाल नहीं करेंगे, जो है आप सामने है देख रहे हैं युवा जो है, हम लोग चिराग मॉडल लाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, खुश है, बहुत बढ़िया से खुश है। करिएगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उनके लिए मुख्यमंत्री अपने दिल से हम बनाएंगे उनको, बहुत मैं चिराग मॉडल लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाए। ये आप बापू सभागार में देख सकते हैं कि कितना जनता लोग चाह रहे हैं, हर युवाओं का दिल में चिराग पासवान जी बसते हैं, चिराग पासवान हर दुख में पहुँचते हैं, कोई भी दुर्घटना हो जाते हैं तो चिराग पासवान जी तुरंत पहुँचते हैं वहाँ, तेजस्वी जी पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। चलिए आप बताइए, राघोपुर से हम आ रहे हैं, ठीक है राघोपुर से, राघोपुर में आज तक तेजस्वी जी 5 काम कोई बता दे कि राघोपुर में किए हैं। बिहार का ऐसा स्टेट है, एक बार में 1,25,000 के अंदर नौकरियां तेजस्वी सरकार ने दिया है, और जो कि 10 दिन पहले ही शिक्षकों को, और अभी तो शुरू है, अभी और विकास होगा, अभी और विकास होगा। तेजस्वी यादव जो बहुत ही अच्छे, लेकिन भाई अभी चिराग जी जो है सत्ता में नहीं ना है, सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी, और करेंगे भी, ठीक है। चिराग जी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, शुरू हो रहा है, शुरू मोदी जी बोलते हैं बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, कोई नेता वादा पूरा करके कभी पूरा किया है, बिल्कुल लेकिन तेजस्वी यादव 100% में से चलो 25% कुछ तो पूरा किया है। अब मोदी जी बोले 15 लाख रुपया, अभी अभी एक साल अभी कहीं 75% शुरू हो रहा, आप देखिए एक साल क्यों कहते हैं। मोदी जी बोले थे जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या उन्होंने बोले थे कि मोदी जी बोले थे कि 1 साल में 1 लोग आ गया 10 लाख, 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे, क्या तेजस्वी यादव की बात करते हैं, कहाँ गया 10 लाख। हमें कहने मतलब ये है, कोई ऐसा जो देश का नेता नहीं है जो अपना वादा पूरा कर सके, कोई भी नहीं है। हमारे चिराग हम बता दे रहे हैं, उसका गारंटी लेते हैं 2000। बापू सभागार देखिए, चिराग पासवान नेता बहुत ही अच्छे हैं, युवा है, पढ़े लिखे है, समझदार है, अच्छे विचारधारा है, सुनिए बहुत आई लाइक चिराग पासवान, बहुत अच्छे नेता हैं, मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अभी शुरू कर रहा है काम, उसका कमाल संभाल देंगे, नम्मा पास को देश का कमाल संभाल देंगे बिहार का, जो कि चपरासी का नौकरी लेता है तो इंटर पास और बीए पास खोजता है। चिराग पासवान तो नौवा फेल है ना, तेजस्वी जी तेजस्वी जी अगर नौवा फेल है, अगर नौवा फेल ऐसा सिस्टम संविधान में है
तो एक अनपढ़ आदमी जो अपने माँ बाप को सेवा पढ़ी कर सकता है, उसके जो संस्कार है वो पढ़ा लिखा आदमी पर संस्कार नहीं हो पाएगा। ये मैटर रखता है, नौवा फेल है दसवा फेल है, बट काम क्या कर रहा है वो मैटर रखता है। अगर सब नेता अगर नौवा फेल पर डिपेंड आ रहे हैं तो फिर आप उसको IAS तैयारी करवा कर कुर्सी दीजिए। फिर बीएपी जो राघोपुर ही जनता, राघोपुर की जनता जीता के उन एक तेजस्वी मैडम, हम मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा से हैं। अगर की घटना है स्कॉर्पियो से निकाल कर मेरे बहनोई को कनपट्टी में गोली मार दिया गया, क्या ये क्या है? मेरे पास FIR है। अच्छा ये बता, ये लोग कह रहे हैं कि 2000 एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं कि दो, अरे ठीक है, स्कॉर्पियो से बीच के कनपट्टी में गोली मार दिया गया मुख्यमंत्री के गृह जिले में। पर्सनल रुकिए ना, 2024 में बोल रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, CM बनेंगे चिराग पासवान, तो क्या लगता है आपको बनेंगे? अभी कुछ कहा नहीं सकता है। अब देखिए पलड़ा दोनों भर पलड़ा तेजस्वी यादव का प्रोग्राम में इतने सारे लोग आते हैं, जरूर आते हैं, अभी तो शुरू हुआ तो आएंगे ही, ऐसा होता है, मायने नहीं रखता है सबका वोट, मायने रखता है वोट, देखिए प्रशंसा, देखिए लोगों का प्रशंसा करने के लिए आगे, उससे क्या है, लोग समर्थन कर रहे तभी लोग समर्थन कर रहे हैं, ठीक है समर्थन कर रहे हैं, इसके बाद अगर वोट चुनाव होगा चुनाव मायने रखेगा कि सभागार मायने रखेगा? हम लोग जो उनकी खुशी में शामिल हुए तो जाहिर से बात है वोट का बटन, खुशी में शामिल होने से चुनाव जीत जाएगा लोग, मैडम ठीक है हम ही यहाँ है, हम यहाँ मैडम आए हैं तो रैली तो निकलता है 10 लाख, देखिए 10 लाख वोट मिल जाता है, आते हैं क्या कहना चाह रहे पैसे से ले ले, एक बार रैली रैली तो 10 लाख वोट निकलता है रैली में, तो 10 लाख क्या मिल जाता है? राघोपुर में 5 काम बता दे। अच्छा बिहार को कौन बर्बाद किया है? 15 साल उधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, देश बर्बाद है। वैसे जो आप कर पूरा देश बर्बाद है, कौन किया है, कौन किया है आप बताइए, देश बर्बाद, मेरा काम है सवाल, देश में जी रहे हैं देश को बर्बाद, 32 साल से सत्ता में कौन है बिहार में, जो बिहार में है नीतीश और तेजस्वी की सरकार वही बर्बाद है। नहीं हम बिहार का बात कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने में मुख्य हाथ है चिराग और नीतीश कुमार का, बिहार को बर्बाद किए 25 साल से नीतीश कुमार, 25 साल से नीतीश और दोनों गठबंधन, नीतीश और तेजस्वी के दोनों गठबंधन बर्बाद, क्या लगता है चिराग पासवान के आ जाने से बिहार से पहली सीट बुक हो जाता है, कौन सा बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम से पहले सीट बुक हो जाता है, अभी आप देखे हैं ना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम बाबा साहब का अनुयायी हैं, बिहार में सबसे ज्यादा आपका हम सुन रहे थे, बिहार में सबसे ज्यादा यदि दलित को मूर्ख बनाया है तो यही 32 साल में जो सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में, जब जब चुनाव आएगा तो भीम संसद लगेगा, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित को संगठित करने का रहता तो दलित महादलित नहीं करते, इसके पहले भी चुनाव में नीतीश कुमार बोला था कि जो भी दलित पर हत्या होगा तो एक नौकरी देंगे। अच्छा, बताइए बात पूछे, बहुत सारे जो पासवान समाज के लोग हैं वो नाराज हो गए चिराग पासवान के, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि बीजेपी में वो शामिल हो, वो बीजेपी वालों को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन उनके नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए तो बोल रहे पत्थर रख के हमको अपने पासवान, बताते हैं जब सत्ता में आना है तो किसी न किसी तरह से आपको गठबंधन में रहना पड़ेगा, आपको अकेले कुछ नहीं करते, आप यदि जनता किसी अपना समर्थकों को चाहे अपना अनुयायियों को चाहते हैं कि भला हो तो किसी किसी आप गठबंधन में रहना पड़ेगा, वही हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है कि देखिए सबसे पहली बात है कि जो RJD की जो सरकार, नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे वहाँ चिराग पासवान को रहना संभव नहीं है, मेरे नेता का ये पहले से ही अथी है, निर्णय है कि जिस गठबंधन में आदरणीय मैंने जो है कि नीतीश कुमार रहेंगे उसमें मेरे नेता नहीं रहेंगे। माइक में सुनना चाहेंगे कौन कौन है जो चिराग पासवान को CM बनाना चाहता है? हम लोग चिराग पासवान को CM बनाएंगे। 2025 में जातीय समीकरण टूटेगा और CM 2025 में चिराग पासवान बनेंगे, ये हम नहीं है जनता, पूरे बिहार की जनता की आवाज़, जातीय समीकरण इन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया बनेंगे, अभी क्या हो तो पता नहीं, बनेंगे एकदम कंफर्म है। 2020 में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़कर यह बता दिए हैं कि नीतीश कुमार को क्या हाल हुआ है। हम भी चाहते हैं ऐसा नहीं है, पहले ऐसा है, पहले ऐसा बिहार फर्स्ट तो सब है, जिंदाबाद मुख्यमंत्री कैसा है? देखिए आज हम चिराग पासवान का स्थापना दिवस पे
अब बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव जो है चिराग पासवान जी लाएंगे, इनकी सरकार बनेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में 2024 में किसकी सरकार बनती है और सीएम कौन बनता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे फरहत अफसा के साथ।